नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। थोड़ी देर में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ इस महापर्व का समापन भी होगा और जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोल पाएंगी। रात भर से ही तमाम घाटों पर जो है खासी रौनक देखी गई और चार दिन का ये महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये श्रद्धा का और आस्था का आप सैलाब देख पा रहे हैं। यहाँ पर घाटों पर महिलाएं जो हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो रात भर पानी में खड़ी हैं और अब सूर्य उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करेंगी। और ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। और ये आस्था का पर्व है और जो सैलाब उमड़ा हुआ है घाटों पर, ये खूबसूरत तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं छठ पर्व, जो कि कहा जाता था कि सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है, लेकिन अब ये जो छठ पर्व है इसकी धूम पूरे देश में ही देखी जा रही है। घाटों पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं और अगर बात की जाए तो करीब दिल्ली में ही 1000 घाट जो है वो तैयार कर दिए गए थे, आर्टिफिशियल घाट जो है वो बनाए गए थे। भीड़ आप देख पा रहे हैं और लोगों में आस्था है और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिलाएं जो कि फिलहाल व्रत रखे हुए हैं वो महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ पहुंची हुई हैं और फल और मिठाइयाँ तमाम जो ठेकरी जो बनाए जाते हैं उन सब के साथ घाटों पर पहुंची हुई हैं। और इसी के साथ आप देखिए जो व्रती महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं यहाँ पर पानी में खड़े होकर आराधना कर रही हैं सूर्यदेव की और इसी के साथ साथ छठी मैया के गीत भी चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। महिलाओं के बीच में आप देख सकते हैं इस वक्त जो सुबह के समय जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और ऐसे में इसी पानी में रात भर खड़े होकर आराधना जो है वो की जाती है। और खूबसूरत तस्वीरें जहाँ पर घाट बनाए गए हैं, चारों तरफ सजावट आप देख सकते हैं। महिलाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने नाक से मांग तक का सिंदूर लगाया है और कहा जाता है कि जब इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है तो उससे पति की उम्र जो है वो लंबी होती है। उसी के साथ आप देखिए घाटों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, गन्ने का खास महत्व माना जाता है और गन्ने के साथ सजावट भी की जाती है और साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रसाद के रूप में भी गन्ना दिया जाता है, ठेकवा बनाया जाता है। शुद्धता का पूरा विशेष तौर पर ध्यान जो है इस पर्व के दौरान रखा जाता है और छठी मैया की आराधना की जाती है, सूर्यदेव की आराधना की जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व जो है इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और कल शाम के वक्त जो है डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया था, आज उगते सूर्य को अर्घ दे के व्रती महिलाएं जो हैं वो अपने व्रत को पूरा कर लेंगी और इसी के साथ साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। तमाम घाटों से जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त छठी मैया के जो गीत हैं वो सुनाई दे रहे होंगे और खासा जो उल्लास है वो लोगों के बीच में देखा जा रहा है। हर जगह पर आपको घाट नजर आएंगे जिनकी व्यवस्था पहले से ही की गई थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन घाटों का निर्माण किया गया। आर्टिफिशियल घाट जो हैं वो बनाए गए, दिल्ली में 1000 घाट बनाए गए हैं, उन पर चारों तरफ तैयारियां की गई, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है ताकि किसी भी तरह से लोगों को किसी भी तरह की असहूलियत का सामना ना करना पड़े और काफ़ी आराम से लोग जो है इस आस्था के पर्व को मना पाएँ। और इसी के साथ साथ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे भी जो हैं वो नज़र आए और छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ पहुंचे हुए थे जो कि खुद पानी में खड़े होकर अपनी माता के साथ इस आस्था के पर्व को मनाते नजर आए। लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचाएं। जब एक महिला घर में व्रती महिला जब व्रत रखती है तो ऐसे में पूरा परिवार जो है वो एकजुट होकर हर तरह के काम में जुट जाता है। और चलिए अब हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट हम ले लेते हैं किस तरीके से आस्था का पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली से हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं और नोएडा से सुमित झा हमारे साथ हैं, लखनऊ से रवि कुमार हमारे साथ हैं, जयपुर से प्रशांत यादव हैं हमारे साथ। और इसी के साथ चलिए अब सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं और आरजू दिल्ली से आप हैं मौजूद इस वक्त और यहाँ पर आस्था का जो पर्व है कल शाम से ही जिस तरीके से भीड़ देखी गई घाटों पर, करीब 1000 घाट जो हैं दिल्ली में तैयार किए गए हैं आर्टिफिशियल घाट और इसी के साथ यमुना किनारे भी लोग भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं, किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें इस आस्था के आज आप दिखा रही हैं।
तस्वीरें दिखाएंगे और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं, भव्य तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। और देखिए, खाए पिए से शुरू हुआ ये त्यौहार, खाए नहाए से शुरू हुआ ये पर्व, अब अंतिम चरण में है। जब सूर्योदय होगा तो उसको अर्घ देकर ये महिलाएं जो है अपना उपवास खत्म करेंगी, उसको समाप्ति करेंगी। लेकिन आप देखिए कितना कठिन ये तप है जो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर कर रहे हैं। जो छठ व्रत जो है यहाँ पर रखा गया है और इन महिलाओं को आप देखेंगे तो हाथ में जो दिया है उसको भी रखे हुए हैं और एक डोलची है जिसमें कई सारा सामान जो है वो महिलाएं यहाँ पर रखे हुए हैं। बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे क्या कुछ इन डोलची में होता है और किस तरीके से ये उपवास जो है वो भी ये लोग रखते हैं और कितना उत्साह है छठ को लेकर। आप लोगों में कितना उत्साह है? हम लोगों का बहुत उत्साह है और हम लोग जो है ये करीबन 12 साल से इसको मना रहे हैं। ये महापर्व जो है लोगों में इसकी आस्था इतनी बढ़ती जा रही है जो दिन प्रतिदिन और लोगों की चाहत जो है इस पर्व के प्रति बढ़ता जा रहा है। और ये आप देखिए सूर्य देवता की आराधना है और इसके प्रति लोगों का जो महाभारत में भी सूर्य देवता से लोगों का अवगत होगा और उसी के प्रतीक लोगों की जो आस्था है और दिन प्रतिदिन जागरूक होते होते और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कितना उत्साह है छठ को लेकर? छठ पूजा के लेकर बहुत ही उत्साह हूँ, लेकिन एक बात का ये है जो वर्षों से सोच रहे थे छठ पूजा आ जाएगा, एक दिन है जो आज आखिरी पड़ाव पे है। सूर्य देवता जल्द से जल्द उगे और सभी व्रती को अपना व्रत तोड़ने का आनंद दे। अगले साल जोरों से इंतजार रहेगा कि कब वह दिन आए जो फिर हम लोग छठ पूजा शाम का डूबते हुए सूर्य का पूजा करें और उगते हुए सूर्य का पूजा करें। बिल्कुल, तो देखिए ये पहला पर्व है जहाँ पर डूबते हुए सूरज की भी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और ये देखिए प्रथा जो है जिस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है, ये प्रथा आप देख सकते हैं, नाक से लगाना शुरू होता है और ऊपर माथे तक सर तक सिंदूर जो है वो महिलाएं जो है वो लगाती हैं। तस्वीरें देखिए आप दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये प्रथा जो है वो चलती है। ये सिर्फ छठ पूजा है जिसमें इस तरीके का होता है और जब भी आपको ये तस्वीर नजर आती है आपको वो कल्चर दिखाई देता है भारत का। और इसी तरीके से बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से मैम ये क्या कर रही हैं और किस तरीके से तैयारियां जो है वो छठ। ये ना छठ की तैयारी, 5 दिनों का छठ का त्यौहार होता है तो 5 दिन पहले से ही छठ का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले नहा के खाना खाते हैं, फिर खरना करते हैं, फिर शाम का अर्घ देते हैं, मतलब डूबते सूरज को, फिर उगते सूरज को अर्घ देते हैं। सिंदूर जो लगा रही है इसकी क्या प्रथा? लंबी उम्र हो, लंबी उम्र के लिए नाक से सिंदूर लगाते हैं कि लंबी उम्र, लंबा सिंदूर उतनी लंबी, हाँ उतनी लंबी सुहाग बना रहे इसलिए नाक से सिंदूर लगाते हैं। और अगर इस डोलची के इसमें आप ये डोलची लेकर आए हैं क्या कुछ इसमें रखा हुआ है? तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो रखा हुआ है, नारियल रखा है, फूल रखे हुए हैं और ठेकुआ, खास तौर पर छठ के पर्व में ठेकुआ जो है वो बनाया जाता है। उपवास रखा हुआ है आपने? जी हाँ। कितने घंटे हो गए? 36 घंटे हो गए। 36 घंटे हो गए। क्या कुछ इस डोलची में होता है? ठेकुआ बनाया है? हाँ बनाया है। और क्या कुछ है इसमें? फल है, नारियल है, सुपारी है, सुतनी है, ठेकुआ है, केला है, नाशपाती है, सेब है। मुश्किल हो रहा है अब? इंतजार कर रही है सूर्य, खुशी है, मुश्किल नहीं है, उनकी कष्ट उठाए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितनी श्रद्धा है छठी मैया की। मैं जरूर लगाऊंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो बता रही है कि इसको कोई भी लगा सकता है। हाँ कोई भी लगा सकता है। अच्छा, कितनी तैयारियाँ हैं और कितना उत्साह है? बहुत सारी, बहुत ज्यादा, हमेशा इंतजार रहता है छठ पूजा की। हाँ सही बात है। आरजू ये भी आरजू वो देखने के लिए आए। बिल्कुल आरजू, देखिए आप बहुत सारी महिलाओं के साथ हैं इस वक्त और चाहेंगे कि जब वापस आपके पास आए तो इन महिलाओं से छठी मैया के गीत भी गुनगुनाने के लिए जरूर कहिएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, नोएडा में आप मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार 36 घंटों का व्रत महिलाओं ने रखा हुआ है, पानी में इस वक्त खड़ी हैं महिलाएं और उनके हाथों में वजन भी काफी है, प्रसाद जो वो लेकर खड़ी हैं, ऐसे में अब इंतजार है बस उगते सूर्य को अर्घ देने का।
बिल्कुल पिंकी, और जगह बदलती है लेकिन तस्वीर लगभग एक जैसी रहती है, आस्था वही है। और ये हम तस्वीर आपको दिखाते हैं सीधे, हम एक